देवास में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। इसी के चलते सयाजी गेट पर प्रशासन में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए चालान की कार्रवाई की है। प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के चालान भी बनाए। इस दौरान लोग मास्क नहीं लगाने को लेकर गुहार भी लगाते नजर आए। प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को समझाइश देने के साथ मौके पर चालानी कार्रवाई भी की गई। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती करते हुए जुर्माना भी किया गया। आज हमको दुर्वास के ऊपर इतला दी गई थी श्रीमान एसडीएम द्वारा कि आपको विदाउट मास्क के ऊपर चालानी कार्रवाई करनी है। लोगों को फिर अवेयर में लाना कि कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो यूं नहीं कि देवास में बढ़ जाए, तो उसकी सतर्कता देखते हुए डीएम साहब ने आदेश दिया। तो हम एसडीएम साहब के आदेश और पूरी टीम को अभी तक यहाँ पे 24 चालान बने हैं। इस चालानी कार्रवाई में सरकार की कार्रवाई की जा रही है। ये आज कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार जो बिना मास्क पहने घूम रहे गाड़ी से और जो भी है उनको समझाई की जा रही है और चालान निकाल रही है। 100 रुपये का चालान काट रहा है और यदि उसका चालक यदि ज़्यादा रहेगा तो चालान निकल रहा है, तो इस टाइप की कार्रवाई आवाजाही निरंतर जारी है, जब तक की है इसीलिए हम जागरूकता भी फैला रहे हैं और कम चालान निकाल रहे हैं। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।